प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रसंग डॉक्टर डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र में योगदान व डीपी मुखर्जी का परंपराओं में द्वंद विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। डीपी मुखर्जी का जन्म सन 1894 में बंगाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल के बंगवासी कॉलेज के अंतर्गत सन 19 प्राप्त की थी। वे सन 1918 में आपने इतिहास व सन 1920 के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। वे सन 1922 में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद की पद पर नियुक्ति प्रदान हो गई थी। आपने लगभग 30 वर्ष तक अध्यापक के पद पर रहते हुए कार्य किया। यहाँ हम डॉक्टर डीपी मुखर्जी की महत्वपूर्ण कृतियों पर कुछ चर्चा करें तो इनकी महत्वपूर्ण कृति व्यक्तित्व और सामाजिक विज्ञान, इस विषय का प्रकाशन सन 1924 के अंतर्गत किया था। इस पुस्तक के अंतर्गत आर के मुखर्जी ने व्यक्तित्व व अन्य सामाजिक विज्ञानों में किस प्रकार के संबंध देखे जा सकते हैं आदि की चर्चा की। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक समाजशास्त्रीय मूल अवधारणा, इसका प्रकाशन सन 1932 के अंतर्गत किया था। आपने समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं अर्थात समाज किसे कहते हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य व परिस्थिति व भूमिका व समाज से संबंधित विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं की विस्तृत चर्चा की है। इसके साथ साथ आधुनिक भारतीय संस्कृति अर्थात आधुनिक समाज व्यवस्था में भारतीय संस्कृति की किस प्रकार की स्थिति है का प्रकाशन सन 1942 के अंतर्गत किया था। इसी आधार पर आपने अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय युवाओं की समस्या, इसका प्रकाशन सन 1946 के अंतर्गत किया था। अर्थात युवा किसे कहते हैं वह आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत युवाओं की किस प्रकार की समस्या है आदि पर विस्तृत चर्चा की थी। इसके साथ साथ आपने भारतीय संस्कृति एवं समाज अर्थात भारत के अंतर्गत सांस्कृतिक परिदृश्य एवं समाजशास्त्र के मध्य क्या संबंध है का प्रकाशन सन 1942 के अंतर्गत किया। आपने एक और महत्वपूर्ण प्रसंग भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन अर्थात भारतीय परंपरा क्या है, परंपराओं में द्वंद क्या है वह भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हम डीपी मुखर्जी के संक्षिप्त विचारों पर कुछ विस्तृत चर्चा करें कि डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र की मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज कहे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी ही एक भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी विचारधारा के अग्रज के रूप में जाने जा सकते हैं। यहां हम कहें कि डीपी मुखर्जी वे प्रमुख विद्वान हैं जो समाजशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः अन्य विद्वानों की अवधारणाओं को जो का तो स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था को समझना है तो हमें भारत की वास्तविक परंपराओं को समझना होगा, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो परंपराएं मौजूद हैं उन्हीं के आधार पर समाज की स्थिति को समझा जा सकता है। आपने कहा कि सभी समाजशास्त्रियों को सामान्यतः पहले वास्तविक अपनी परंपराओं को समझना चाहिए और इसके बाद में उन पर विचार विमर्श करना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय भाषाओं स्थानीय परंपराओं का होना आवश्यक है। आपने कहा कि भारतीय धर्म एवं संस्कृति
समूहवादी प्रकृति की हैं और इनमें व्यक्तिवादिता को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। अर्थात आपने समूहवादी व सांस्कृतिक व्यवहारों को ही विशेष महत्व प्रदान किया। आपने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक के अंतर्गत परंपराओं की द्वंद्ववाद संबंधी विषय पर अपनी व्याख्या का प्रतिपादन किया है। आपने कहा कि परंपरा पर कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि परंपरा की अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रेडिशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संचरण करना या परंपराओं में भारतीय समाज की निरंतरता को बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम जिन विचारों, मूल्यों और व्यवहारों के द्वारा तरीकों को प्राप्त करते हैं, वही हमारी परंपरा के नाम से जाना जा सकता है। परंपराओं में अनुकूलन एवं सामंजस्य का गुण पाया जाता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि परंपराओं के अंतर्गत परिस्थितियों के साथ अनुकूलन की क्षमता देखी जा सकती है। एक और जहाँ परंपराओं के अंतर्गत सामान्यतः अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, वहीं परंपराओं में परिवर्तन एवं स्पष्टता भी पाई जा सकती है। इसके साथ साथ आपने कहा कि परंपराओं में जहाँ एक और अवरोध की स्थिति देखी जा सकती है, तो वहीं परंपराओं में समावेशन की क्षमता भी पाई जाती है। आपने परंपराओं में प्राचीनता एवं नवीनता के स्वरूप को भी समझाने का प्रयास किया है। हमने डीपी मुखर्जी के परंपरावादी सिद्धांत पर कुछ चर्चाएं की थी। इसके साथ साथ उन्होंने परंपराओं में द्वंद्व पर भी विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास किया है। आपने यहाँ हम द्वंद्ववाद की स्थिति को देखें तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द डेग्रेटेड से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्यतः डेग्रेटेड से हुई है जिसका अर्थ सामान्यतः तर्क वितर्क करना या विचार विमर्श करना। प्रारंभ में व्यक्ति तर्क वितर्क के माध्यम से ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते थे। डीपी मुखर्जी ने परंपरावाद के द्वंद्ववाद की अवधारणा को सामान्यतः हीगल से व हम मार्क्स से ग्रहण करने का प्रयास किया है। हीगल एक आदर्शवादी थे, विचारों को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जबकि मार्क्स भौतिकवादी थे। इसी अध्याय को अगले चैप्टर में कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके।